एक होता है जिंदगी काटना और एक होता है जिंदगी जीना, दोनों में क्या अच्छा है, जिंदगी काटना या जिंदगी जीना? एक बच्चे का लगातार मेरे पास मैसेज आ रहा था कि भैया 21 डे हैबिट के बारे में बात कीजिए। दो दिन से, तीन दिन से लगातार स्पैम, लगातार चैट बॉक्स में, लगातार मैसेज में कमेंट आ रहा था कि प्लीज बात कीजिए 21 डे हैबिट के बारे में। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 21 डे हैबिट चैलेंज के बारे में। क्या होता है 21 डे हैबिट चैलेंज, अगर तुम जानते हो तो भी, अगर तुम नहीं जानते हो तो भी, ये वीडियो के बाद तुम्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है 21 डे हैबिट चैलेंज के बारे में। सो हेलो 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 एवरीवन, दिस इज मी यशवंत कुमार एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं कौन होता हूँ 21 डे हैबिट के बारे में बात करने वाला, मैं तुम्हें कौन होता हूँ समझाने वाला। देखो, मैं हजारों पर स्टूडेंट को एवरी डे गाइड करता हूँ, एवरी डे मोटिवेट करता हूँ, एवरी डे इनकरेज करता हूँ, एंड इसके मदद से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने जीवन में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें को अचीव किए, काफ़ी अच्छा किए, अपने लाइफ में काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। तो मैं यह कह सकता हूँ कि हाँ, मैं गाइड करने के लिए तुम्हें परफेक्ट हूँ, मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ 21 डे हैबिट वीडियो के बारे में, 21 डे हैबिट चैलेंज के बारे में। तो चलो गाइस, बात करते हैं 21 डे हैबिट चैलेंज होता क्या है। देखो, हम लोगों का जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जब एक बार कोई भी चीज़ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई ना, देन वो चीज़ तुम्हें खुद ब खुद करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, कि बचपन से पैदा होते ही तुम लोग सांस ले रहे हो, क्या सांस लेने के लिए तुम अपने माइंड को कहते हो कि अब सांस लेने का टाइम हो गया, सांस लो? नहीं, वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में फीड है कि तुम्हें कब सांस लेना है, कब सांस छोड़ना है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक तुम्हारा बॉडी कर रहा है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड से सिग्नल जा रहा है कि हाँ, सांस लेने का टाइम आ गया, सांस छोड़ने का टाइम आ गया, एंड वो चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब तुम 21 दिन तक किसी काम को करते हो ना, देन वो चीज़ें तुम्हारी हैबिट बन जाती, वो चीज़ें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है, उसके बाद तुम्हें दिक्कत नहीं होता उस काम में अपनी आदत बनाने के लिए, उस काम में अपनी रुचि बनाने का। ठीक है, अगर तुम 21 दिन तक किसी भी काम को डेडिकेटली कर लेते हो, देन वह तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा, तुम्हारी आदत बन जाएगी। अब मैं बात करता हूँ पढ़ाई को लेकर के। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पढ़ते वक्त नींद आ रही है, क्या करें? दोस्त, 21 डेज तक स्टडी का एक चैलेंज बनाओ। चैलेंज कैसे बनाना है, चैलेंज में कौन कौन सी चीज़ें करनी है, वो जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले तुम कभी भी उठते हो, कभी भी सोते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यूट्यूब पे बहुत ऐसे मिथ हैं, दुनिया में बहुत ऐसे मिथ हैं कि तुम्हें अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा अगर तुम अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो। नहीं यार, अपना ज़िंदगी को बदलने के लिए अर्ली मॉर्निंग उठने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम उठ रहे हो, अच्छी बात है, नहीं उठ रहे हो तो दिन खुद को क्यों कोसना, क्यों कोसना कि मैं तो सुबह नहीं उठ पाया, अब तो मेरा दुनिया बर्बाद हो गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। बहुत सारे लोग लेट नाइट सोते हैं, बहुत सारे लोग जल्दी सो जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि जो लेट नाइट सोता है वो कुछ नहीं कर पाता अपने जीवन में, या फिर जो अर्ली मॉर्निंग उठता है वो बहुत कुछ कर लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जब भी सोते हो या फिर जब भी उठते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि तुम अपने टाइम को मैनेज कैसे करते हो। अगर तुम अपने टाइम को मैनेज कर लिए ना, अगर तुम्हें अपने टाइम को मैनेज करना आ गया, देन तुम अपने जीवन में सक्सेसफुल बन जाओगे, अपने जीवन में काफ़ी अच्छा करोगे, ना कि सुबह उठ करके अपने जीवन में तुम अच्छा करोगे। राइट, बहुत ऐसे मैंने वीडियोज देखा है कि नहीं, अगर तुम्हें जीवन में बहुत बहुत अच्छा करना है, अगर तुम्हें जीवन में अच्छा मार्क्स लाना है, अपने कॉलेज में, स्कूल में अच्छे मार्क्स लाना है, तुम्हें अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा। नहीं दोस्त, लेट नाइट पढ़ करके बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जो दुनिया पर राज कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तुम जब भी उठो, खुद से तुम्हें कुछ रूल्स हैं जिसे मैं बता रहा हूँ, उसे फॉलो करना है। जब भी तुम सो करके उठो, चाहे लेट नाइट सो, चाहे तुम नेट से उठो, कुछ भी करो, ठीक है, जब तुम सो करके उठ रहे हो, देन खुद से कहो, APJ अब्दुल कलाम साहब की बातें हैं, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई एम द विनर, एंड टूडे इज माई डे। ये 5 लाइन तुम्हें एवरी मॉर्निंग खुद से कहना है, और हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ उठना है। और दूसरी चीज़ कि तुम जब भी बेड से उठना स्टार्ट करो ना, तो तुम बेड से उठ जाओ, 2 मिनट तक बेड पर बैठो और आँख बंद करके तुम अपने जर्नी को, अपना गोल को, अपने फ्यूचर्स को तुम विजुअलाइज करो कि मैं आँखें बंद कर लिया, अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरा फ्यूचर्स क्या है, मैं कहाँ पर जाने वाला हूँ आने वाले कुछ समय में, मेरी स्ट्रैटजी क्या है, अच्छा ठीक है, मैं अपने स्ट्रैटजी के अनुसार चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। तुम विजुअलाइज करोगे ना, जब तुम चीज़ें को विजुअलाइज करना स्टार्ट करोगे, देन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें जाएगी कि हाँ, सही चीज़ सारी चीज़ें ट्रैक पे चल रही है, सारी चीज़ें मैं अच्छा से कर रहा हूँ। अगर कोई चीज़ अच्छा से नहीं कर पा रहे हो, देन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड उस समय पर जवाब दे देगा कि नहीं, चीज़ें अच्छी से नहीं चल रही, उस टाइम पर तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है। तो उस टाइम पर अपने स्ट्रैटजी में सुधार करने की ज़रूरत है, अपने वर्क में थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है कि तुम कर रहे हो तो थोड़ा सा सुधार करो, अपने वर्क को इम्प्रूव करो, अपनी स्टडी को इम्प्रूव करो, एंड 21 डेज तक लगातार ये चीज़ें करनी है। ट्रस्ट में
तुम्हारा लाइफ बदल जाएगा। 21 डेज के बाद जब तुम खुद को देखोगे ना तो बोलोगे क्या आज मैं 21 डे में जो हूँ वो 21 डेज पहले था। बहुत कुछ बदल चुका रहेगा तुम्हारे लाइफ में दोस्तों। तो मैंने कुछ जो चीज़ें बताई है उसे हमेशा याद रखना, सुबह उठ करके 5 लाइन बोलना है, खुद को पॉजिटिव थॉट्स के साथ उठाना है, विजुअलाइज करना है, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि तुम जब भी सोने के लिए जाओ सोने से पहले अपना अगले दिन का टारगेट ज़रूर सेट करना है। बिकॉज बिना टारगेट का ना ये लाइफ बिल्कुल बेकार है। जब तुम अपने लाइफ में टारगेट नहीं दोगे, जब तुम अपने लाइफ में कुछ गोल नहीं रखोगे, दिन ये लाइफ फिर क्या कोई लाइफ बन जाएगी? लाइफ में हमेशा टारगेट होनी चाहिए, लाइफ में हमेशा गोल होनी चाहिए, लाइफ में हमेशा कुछ करने की ललक, कुछ करने की जज्बा होनी चाहिए। जिसके पास कुछ करने की जज्बा ही नहीं है, जिसके पास करने के कुछ ललक ही नहीं है, वो क्या करेगा अपने जीवन में? तो हमेशा अपने लाइफ में ना एक टारगेट सेट करो, हमेशा अपने लाइफ में एक गोल सेट करो कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे इस पोजिशन पर पहुँचना है। ठीक है, जब धीरू भाई अंबानी ने 100 रुपये लेकर के बिजनेस स्टार्ट करा था ना, तो वो भी एक सपना देखा था कि मैं अपनी कंपनी को इस लेवल तक लेकर के जाऊंगा, तब उसने उस कंपनी को उस लेवल तक लेकर के गया। अगर किसी के पास कोई वो नहीं है कि मेरा कुछ तो खुद का एक कंपनी होगा, कंपनी का मैं चेयरपर्सन बनूंगा, कंपनी को मैं नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाऊंगा, अगर गोल देखोगे, सपना देखोगे, तभी तो उस सपने को तुम हकीकत में बदल पाओगे, राइट? तो यहीं पे आती है 21 डे हैबिट वीडियो के। सबसे पहले टारगेट सेट करो, गोल सेट करो, एंड 21 डेज तक उसे लगातार फॉलो करो, पॉजिटिविटी के साथ फॉलो करो, अपने आप से 5 लाइनें कहो, एंड हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ विजुअलाइज करो चीज़ों को कि मेरी चीज़ें सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। देखो दोस्त, ये वीडियो बनाते बनाते ना मेरे मन में भी एक थॉट आ रहा था कि मैं चाहूँ तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। थोड़ा सा इधर से टेक्स्ट इफेक्ट डाल दिया, थोड़ा इधर से टेक्स्ट इफेक्ट डाल दिया, वीडियोज़ को पूरा इंटरेस्टिंग बना दिया और तुम्हें मज़ा आ गया यार, काफ़ी मोटिवेटिंग वीडियोज़ था। लेकिन मेरा मकसद ना तुम्हें मोटिवेट करना है, तुम्हें दिखाना नहीं है कि देखो क्या इफेक्ट है, कितना सुंदर इफेक्ट है, कितना सुंदर इफेक्ट है, कितना सुंदर वीडियोज है, कितना सुंदर एडिटिंग है। नहीं, मेरा मकसद दिखावे का नहीं है, मेरा मकसद तुम्हें कुछ सिखाने का है, तुम्हें मोटिवेट करने का है, तुम्हें इनकरेज करने का है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी 21 डे हैबिट वीडियोज, 21 डे हैबिट चैलेंज। अगर तुम इसे फॉलो करोगे को इस तरह से 21 दिन तक करोगे, और नोट इवन 21 दिन तो एक टारगेट है, 21 दिन के बाद फिर ज़्यादा, या फिर जब तुम्हारा हैबिट बन जाए कि चल 21 डेज में मेरा हैबिट नहीं बन पाया तो 30 डेज तक मैं कंटिन्यू करूँगा, लेकिन जब तक हैबिट बनेगा नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये थी हमारी आज की वीडियोस, और ये था हमारा आज का समझाने का मतलब। आई होप गाइस तुम्हें समझ में आई होगी, एंड वीडियो भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डू लाइक, डू कमेंट, एंड सपोर्ट करना, शेयर करके वीडियोस को लाइक करके सपोर्ट करना, एंड बताना कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं किसी अनदर वीडियोज में अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय गाइस।